नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग हब में। चलिए आज साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तांबा और टीन का मिश्र धातु क्या है? तो तांबा और टीन का मिश्र धातु जो है कांसा बनता है उससे। दूसरा प्रश्न है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन जो है एलपीजी का मुख्य घटक है। तीसरा प्रश्न है, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु कितनी होती है? मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की जो आयु होती है 120 दिन होती है। चौथा प्रश्न है, आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये जो लौंग होता है वो पुष्पकली होता है, पुष्पकली। उसके बाद पांचवा नंबर प्रश्न है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। और आज का लास्ट प्रश्न है, आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति को क्या कहा जाता है? आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति को गोल क्रांति कहा जाता है। तो ये साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि इस तरह के छोटे छोटे वीडियो आपको एक मिनट दो मिनट के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाए जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो। थैंक यू।